हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड टिप्स। आज के इस वीडियो में आपको इस वीडियो के एडिटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन चाहिए। फर्स्ट आपको पिक्सल ऐप चाहिए, आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन आपको काइन मास्टर चाहिए। और अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर काइन मास्टर का लिंक दे दूँगी। क्योंकि प्ले स्टोर से जो आप काइन मास्टर डाउनलोड करते हैं उसमें वाटर मार्क आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो चलो पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं। पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद आपको ऐसा नॉर्मल सा इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, इसे कैंसिल कर देना है और न्यू टेक्स्ट पे आपको डबल टैप करना है और इसको हमें पूरा क्रॉस कर देना है। और उसके बाद आपको जो भी नेम टाइप करना है वो टाइप कर लेना है। तो मैं अपना नेम टाइप कर रही हूँ। उसके बाद आपको ओके करना है। देख सकते हैं पतला है, तो आपको क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है। ए वाले पे क्लिक करके इधर की तरफ मूव करेंगे तो आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लेटर पे कलर करना है, तो आपको यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा। आपको पहले फर्स्ट लेटर को अपने नेम को सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट लेटर को। और उसके बाद आपको कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेना है, मैं रेड कलर कर रही हूँ। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है और थोड़ा सा और आगे मूव करना है आपको, तो फिर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और इसमें आपको ब्लैक कलर ही सिलेक्ट रहने देना है। अब आपको यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको और आगे मूव करना है तो शैडो का ऑप्शन मिलेगा और इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ से आपको इसकी पॉइंट को कम कर देना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है और इस इमेज को हमें ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपको इधर इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। इमेज सेव हो गया है। चलो काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको बीच वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है और एक वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उस वीडियो को हमें सेलेक्ट कर लेना है जो आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है। तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। वीडियो में साउंड ऑलरेडी ऐड है तो आपको बस नेम ऐड करना है और यहाँ पे जैसे इस तरीके से पूरा आई लव यू लिखा हुआ आ जाता है या थोड़ा सा आई लिखा हुआ आता है तभी आपको रोकना है। अब आपको यहाँ पे नेम ऐड करना है, तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो हमने पिक्सल ऐप से नेम बनाया है उसे सेलेक्ट करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और उस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जो हमने एडिट किया है। इसे थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है इस तरीके से। अब आपको इन एनिमेशन सेलेक्ट करना है इसमें, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और ये वाइप राइट आपको ये वाला सेलेक्ट कर देना है। टाइमिंग आपको 1.5 इतना रख सकते हैं। तो हम प्ले करके देख लेते हैं कैसा बना है वीडियो हमारा। नाम बहुत लेट से आ रहा, तो आपको क्या करना है, पहले नेम को आगे की तरफ खिसका लेना है थोड़ा सा इस पर प्रेस करके और आगे से हमें ट्रिम करना है अपने नेम को। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रिम करना है, इस पर क्लिक करना है और कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक कर देना है। एक कमेंट आया था कि सॉन्ग को कैसे ऐड करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है जो आप सॉन्ग को ऐड करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाके मीडिया पे जाना है और उस वीडियो को हमें सेलेक्ट कर लेना है जो आपने वीडियो डाउनलोड किया है सॉन्ग के लिए, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए इसको ही सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें डिलीट कर देना है। और देख सकते हैं सॉन्ग आपका ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, इसे गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है अपने वीडियो को।